सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। गढ़वा जिले से कोरोना संक्रमण के खतरे के मद्देनजर उपायुक्त ने सदर अस्पताल का लिया जायजा। कोरोना के रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा कल चिट्ठी निकालकर पूरे राज्य में मास्क को लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद इधर गढ़वा जिला प्रशासन भी कोरोना की रोकथाम के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। आज गढ़वा DC राजेश कुमार पाठक गढ़वा सदर अस्पताल पहुंचे तथा कोविड सेंटर सहित अस्पताल के विभिन्न वार्डों की जाँच की और संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इधर गढ़वा SDO जियाउल अंसारी के नेतृत्व में शहर के काली स्थान स्थित पुलिस कंट्रोल रूम के पास राहगीरों के बीच मास्क का वितरण किया गया। जो लोग मोटर वाहन पर बगैर हेलमेट के और बगैर मास्क के चल रहे थे उनकी गाड़ी को जब्त किया गया। इस दौरान करीब 30 मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। जब्त करने के बाद फाइन लेकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इस दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि आज अभियान की शुरुआत है, प्रतिदिन हेलमेट मास्क तथा गाड़ी के सभी कागज की जांच की जाएगी। इस मौके पर परिवहन पदाधिकारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को गाड़ी ना दे तथा बगैर हेलमेट और बगैर मास्क के घर से ना निकले। जांच अभियान में गढ़वा अंचल CO मयंक भूषण, गढ़वा जिला जनसंपर्क पदाधिकारी साकेत कुमार पांडे, नीरज पांडे सहित अन्य लोग उपस्थित थे। खरौंदी से रिकेश ठाकुर की रिपोर्ट।